खुशियों, आशाओं और आनंद से भरा हुआ आपका नया साल। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। मई से लेकर मीन राशि के लिए कैसा होगा आज का दिन? क्या आज मिलेगी आपको अपनी मनपसंद नौकरी? क्या निवेश से होगा आपको लाभ? किस समय से हो रहा है आज का राहु काल? आपकी राशि के लिए कौन सा रंग होगा लकी, हम जानेंगे आज के राशिफल में। अब जानते हैं 11 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार का आज का पंचांग। विक्रम संवत चल रहा है 2078, शक संवत 1943, कली संवत 5123 है। हिंदू पंचांग के अनुसार मास माघ है, पक्ष शुक्ल पक्ष और ऋतु शिशिर ऋतु है। आज दशमी तिथि दोपहर 1:52 तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज मृगशिरा नक्षत्र सुबह 6:38 तक रहेगा, इसके बाद आद्र नक्षत्र लग जाएगा। आज का करण रहने वाला है गर, जो दोपहर 1:52 तक रहेगा, इसके बाद वाणिज्य करण लग जाएगा। जो रात 3:11 तक रहेगा, इसके बाद विष्टिकरण लग जाएगा। आज का बनने वाला योग वह द्वितीय योग है, जो शाम 7:50 तक रहेगा, इसके बाद विषखंभ योग लग जाएगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि में शाम 5:06 तक गोचर करेंगे, इसके बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस समय सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर सूर्योदय की बात करें तो आज सूर्योदय सुबह 7:03 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:08 पर होगा। आज चंद्रोदय दोपहर 1:22 पर होगा। चलिए इसके बाद जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:58 तक रहेगा। और अब बात कर लेते हैं राहु काल की, जिस समय किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। और आज राहु काल सुबह 11:12 से शुरू होकर दोपहर 12:36 तक रहेगा। और इसके साथ ही दर्शकों, हमने आपको आज के पंचांग की संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आप अपने शहर के अनुसार सटीक पंचांग जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके जानकारी पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्राप्त हो। और साथ ही साथ जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी ढेरों शुभकामनाएं। शिव पार्वती की तरह आपकी जोड़ी भी सदा सलामत रहे। प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन? आज का दिन अपने साथी के साथ भरपूर प्यार एवं मनोरंजन से गुजरेगा। आज अपने मनोरंजन में खुशियों पर अपना कुछ पैसा खर्चेंगे। अपने समय में वैसा आपसी रिश्तों की ओर अधिक मजबूत बनाने में खर्च करें, जो कि एक यादगार बन जाए। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के करियर के बारे में। आपके सहकर्मी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से विजयी हो जाएंगे। आज आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि दूसरे लोग आपकी पीठ पीछे कोई साजिश कर सकते हैं। आपके खिलाफ उठाए गए छोटे छोटे गलत कदम शायद आपको बेईमानी लगे, लेकिन आप उन सबको मिला कर देखें तो आपके कार्यालय में बहुत बुरे माहौल का एहसास होगा। वहीं वित्त के मामले में मेष राशि वालों, यदि अपने व्यापार या पर्सनल कर्ज के लिए आवेदन कर रखा है तो आज आपको सकारात्मक समाचार मिलेगा। इसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन सब्र का फल तो मीठा ही मिला। ध्यान रहे, उधार उतना ही ले जितना कि चुकता कर सके। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मेष जातक, आज तनाव को काबू में रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आप पाएंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण टेंशन ही है, और यही वो समय है जब आप ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोक सकते हैं। बढ़ता तनाव आपकी सेहत और जिंदगी को प्रभावित कर सकता है, जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए कुछ समय निकालकर ध्यान में बैठें, ताकि आप अपने दिमाग को ठंडा कर सकें। और आखिर में मेष राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के दिन ऑरेंज रंग के कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपके नए और महत्वपूर्ण संबंध बन सकते हैं। आज लोग आपसे मार्गदर्शन मांग सकते हैं, कोई नया रिश्ता आपको नयापन महसूस करा सकता है। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज किसी नए व्यक्ति से मिलने पर जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, जिसके मिलने की आपने कल्पना भी नहीं की थी, वही एकाएक आपकी जिंदगी में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपके कार्यालय में खूब जोर शोर से अफवाह फैल जाएंगे,
आप में दफाओं की ओर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। फिर चाहे अफवाहें आपके बारे में ही क्यों ना हो, ये सिर्फ आपका ध्यान आपके काम से हटाएंगे। इससे आपकी व्यावसायिक छवि भी खराब हो सकती है। अगर आप अपने काम की ओर ध्यान दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं वित्त के मामले में वृषभ राशि पर आज आपके अच्छे आर्थिक हालात के संकेत हैं। कुछ पुराने कर्ज निपटा दें। लेन देन के मामले में आपको चिंता में डाल सकते हैं, इसलिए उनसे निजात पा लें। अभी दिन ठीक चल रहे हैं। धन कमाने के लिए सकारात्मक विचार बनाए रखें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। वृषभ जातक, आज आपकी सेहत थोड़ी सी नाजुक रहेगी। हो सकता है आप कोल्ड की समस्या से परेशान रहें। आप जल्दी राहत की सांस भी लेंगे और फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए व्यायाम करें, संतुलित भोजन लें और जल्दी आप पहले जैसे हो जाएंगे। और आखिर में वृषभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार आज गुलाबी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है। मिथुन राशि। मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज आप खुलकर बात कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे अवसर आ सकते हैं। आपके पास जो विकल्प है उन्हें बुद्धिमानी से तोलें। आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन संपर्क में हैं तो पूरी संभावना है कि वह पहली बार आपसे मिल सकता है। मुलाकात सफल रहेगी। हद के पार जाने से पहले अच्छी तरह पता कर लें कि आपके प्रति कितने ईमानदार हैं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप और आपके सहकर्मी एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। ये आपके लिए अपने सहकर्मी को और अच्छी तरह से जानने का एक अच्छा मौका होगा। लेकिन फिर भी आप ये ना भूलें कि आप एक व्यवसायिक वातावरण में हैं और आपके व्यवहार से ही आपकी कुशलता निर्धारित होगी। वहीं वित्त के मामले में मिथुन राशि वालों, इधर उधर से लिए गए सभी कर्जों की कुल रकम को जोड़ें, उसमें क्रेडिट कार्ड की बकाया रकम भी जोड़ लें। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते समय उसके नियमों और शर्तों को हर पल ध्यान में रखें। सभी देनदारों का ध्यान रखकर उनको चुकता करने की ठोस योजना बनाएं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मिथुन जातक, आज बहुत समय से चली आ रही कमर की शिकायत आप महसूस करेंगे। ज्यादा शारीरिक काम और उसके दबाव से बचने के लिए हल्का व्यायाम कीजिए। ध्यान रहे आपको ऐसा कार्य ना करें जिससे आपकी परेशानी और बढ़ जाए, और ज्यादा मेहनत वाली कसर ठीक होने के बाद ही कीजिए। और आखिर में मिथुन राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार फिरोजी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। दोपहर 12:30 से 2 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है। कर्क राशि। मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर आपको बेहतर महसूस करा सकता है। परिवार की ओर से आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आप गर्मजोशी, प्यार और सद्भाव से काम कर पाएंगे। आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज की शाम अपने जीवन साथी के साथ घर में ना बिताकर बाहर निकलकर कुछ मनोरंजन जैसे कि फिल्म या नृत्य देखने जाएं, जिससे निरस्ता खत्म हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के करियर के बारे में। आपके विरोधी कुछ भी कर ले, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। कुछ लोग व्यावसायिक तौर से आपको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुरक्षित रहेंगे। वहीं वित्त के मामले में कर्क राशि वालों, नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। यदि आप अपने लिए घर का चुनाव नहीं किया है तो उसकी शुरुआत कर ही लीजिए। इससे कई अच्छे विकल्प सामने होंगे और चुनाव में भी आसानी होगी। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कर्क जातक, अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या से कोई परेशानी है तो आज आप पाएंगे कि आपकी ये परेशानी काफी हद तक ठीक हो रही है। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी अगर अपने खान पान और कसरत पर अवश्य ध्यान दें। इसका परिणाम आपके लिए लाभकारी होगा। और आखिर में कर्क राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार आज आपका शुभ रंग लाल है। शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच का समय आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सिंह राशि। मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इससे आपको घबराहट हो सकती है। अपने आप पर विश्वास रखें। कामकाजी लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आपकी जीत से ईर्ष्या करते हैं। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको आश्चर्यजनक रूप से इंटरनेट के माध्यम से आपकी खोज का कोई पार्टनर मिल सकता है। इसके साथ बंधन या विवाह योग की पूरी संभावना है। यह रिश्ता आजीवन साथी के रूप में सफल होगा।
अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपके सहकर्मियों द्वारा समय पर की गई मदद कार्यस्थल पर आपको किसी परेशानी से बचा लेगी। आपको सलाह है कि ऐसा ही एकजुट होकर काम करते रहें, इससे आप अपने बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से पा लेंगे। साथ ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सही निर्णय क्षमता का प्रयोग भी करें। वहीं वित्त के मामले में सिंह राशि वालों, अपने प्रोफेशन में किसी हालत में खुद को ढाल लेने की आपकी क्षमता के कारण आज आप फायदे में रहेंगे। आपके काम को प्रोत्साहन और आपको आर्थिक लाभ के संकेत भी हैं, इसलिए निश्चित रहिए आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। सिंह जातक, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। हो सकता है बुखार से आप बीमार पड़ जाएं, शीतल पेय और मद्यपान से दूर रहें। अगर आपको अपनी सेहत गिरती नजर आए तो ध्यान रहे कि आप आराम करें ताकि बीमारी दूर हो जाए। और आखिर में सिंह राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार हल्का पर्पल आज आपके लिए लकी कलर माना जा सकता है। दोपहर 3:30 बजे से 6:30 बजे के बीच का समय आपके लिए लकी माना जा सकता है। कन्या राशि, आज आपके आसपास का माहौल सकारात्मक रहेगा। आप दिन की शुरुआत में अपना लक्ष्य निर्धारित करके काम करें। आपके जीवन में आत्मविश्वास की भावना पैदा हो सकती है। मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप भावनात्मक रूप से स्थिर महसूस कर सकते हैं। आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज रोमांस के मामले में आपका अवसरों से भरा दिन है। आपके आसपास का कोई व्यक्ति जिससे आप नहीं जानते हैं वे आपसे आकर्षित है, आपकी उससे मुलाकात भी होगी। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपके कार्यस्थल में खूब प्रतिस्पर्धा का माहौल बना रहेगा। आपके प्रबंधक ही शायद आपको इस दिशा में धकेल रहे हैं ताकि आपकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाए। एक स्वास्थ्य प्रतियोगिता में कोई बुराई नहीं होती, लेकिन आपके हद से बाहर जाकर अपने सहकर्मियों को नीचा दिखाने की कोशिश करना ठीक नहीं। वहीं वित्त के मामले में कन्या राशि वालों, आज यदि आप एक नए मकान या संपत्ति में निवेश करना चाह रहे हैं तो उसके दस्तावेजों को ठीक से पढ़ सुन लें। छोटी सी चूक भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, इसलिए इन्हें गौर से पढ़े सुने। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कन्या जातक, अगर आपको हाई और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप अपनी स्थिति में बेहतर बदलाव महसूस करेंगे। इस बदलाव को एक चिन्ह मान सकते हैं जो आपको सही दिशा की ओर ले जा रहा है। और आखिर में कन्या राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सौभाग्य के लिए लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं। सुबह 10:00 बजे से 11:00 बजे के बीच का समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप कुछ कामों में असफल होने के कारण परेशान हो सकते हैं। आप अपने आप को काम में उलझा हुआ पा सकते हैं। आप नई चीज सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चिंता छोड़ दें और अपने लक्ष्यों को पूरा करें। किसी प्रकार की संपत्ति में निवेश करने का एक अच्छा समय है। आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आप इसे दूर रहने वाले पार्टनर के साथ निरंतर संवाद बनाए रहेंगे। अड़चनों के बावजूद आपको लगेगा कि बात कहां जा रही है। आप स्वाभाविक रहें और जो हो रहा है उसे देखते रहें। ऐसे संकेत नहीं है कि आपको उसे पैदा होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए, इससे आपका भविष्य दुष्प्रभावित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर थोड़ा तनावपूर्ण रहेंगे। आज आपके शांत रहने में ही आपकी भलाई है। सभी की जिंदगी में बुरा वक्त आता है, लेकिन जरूरी बात यह है कि आप उसका सामना कैसे करते हैं। बहस में पड़ने के बाद आपको एहसास होगा कि बहस में जीतने से ज्यादा अच्छा होगा अपनी अच्छी छवि बनाना। वहीं वित्त के मामले में तुला राशि वालों, यदि आप किसी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तब आपको इसके शुल्क के रूप में भारी रकम चुकानी पड़ सकती है। यह आपके लिए थोड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन ज्यादा उत्तेजित होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसकी व्यवस्था आप आसानी से कर लेंगे। आप लक्ष्यों के प्रति सही तरीके से बढ़ते रहिए और इन कानूनी लड़ाइयों से बाहर निकलने का पूरा प्रयास कीजिए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। तुला जातक, जिन्हें भी ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है उन्हें आज तनावपूर्ण कार्यों से दूर रहना होगा। मन को शांत रखने के लिए योग करें ताकि आपकी ब्लड प्रेशर की समस्या कम हो जाए। और आखिर में तुला राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार आज आपका शुभ रंग हल्का नारंगी है। दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ है। वृश्चिक राशि, करियर के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आपकी प्रशंसा हो सकती है। आज आप बहुत उत्साहित हो सकते हैं। मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर आपको कुछ परेशान कर सकता है।
काम पर भी आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपने भविष्य के बारे में आत्मनिरीक्षण करने का यह एक अच्छा समय है। आप अपने जीवन में कुछ संशोधन करना चाहते हैं। जैसे जैसे दिन बीतेगा आप अपने जीवन साथी के साथ अधिक समय बिता पाएंगे। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप अपने रोमांस को लेकर दुविधा में रहेंगे, क्योंकि आपकी पसंद को लेकर आपके परिवार वालों और दोस्तों की सहमति नहीं होगी। उनकी बात जरूर सुने, क्योंकि वे आपका भला ही सोचेंगे, परंतु अपने मन की ही करें। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के करियर के बारे में। आपके सहकर्मी आपका जीना दोबर कर सकता है। आज अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। कार्यालय में ध्यान रखें कि आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। जिस बड़े प्रोजेक्ट का पाने की उम्मीद कर रहे थे, उस पर आपके सहकर्मियों की नजर भी है। इस समय के लिए अच्छा है कि आप अपने काम पर पूरी तरह से जुट जाए। आपके उच्च अधिकारी आपकी मेहनत को जरूर पहचानेंगे और ये अवसर आपको ही देंगे। वहीं वित्त के मामले में वृश्चिक राशि वालों, आज आपको बड़े आर्थिक लाभ के संकेत हैं। आप सफलता के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसका अच्छा नतीजा मिलेगा। आपके सितारे आपका साथ दे रहे हैं, इसलिए छोटी या बड़ी किसी भी अवधि की योजना आपके लिए किए गए प्रयासों के लिए अच्छे परिणाम सामने होंगे। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। वृश्चिक जातक, आज आप हाइपरटेंशन से निजात पा सकते हैं, क्योंकि टहलने के द्वारा आपके वजन घटाने की कोशिश आपको सकारात्मक परिणाम की ओर ले जा रही है। यह आपको परेशानी से निजात दिलाने में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि आपको तंदुरुस्त बनाएगी। और आखिर में वृश्चिक राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए ग्रे रंग के कपड़े पहने। दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच का समय शुभ माना जा सकता है। धनुराशि। मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप शांत महसूस कर पाएंगे। घर में संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें। भावनात्मक रूप से स्थिर महसूस कर सकते हैं। किसी के साथ विश्वास बनाने के लिए खुलकर ईमानदारी से प्रयास करें। आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की संभावना है, जिसके साथ आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। आप कुछ आगे बढ़ेंगे, परंतु आपको लगेगा कि आप उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं। संभल कर चलें। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपको कार्यालय में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अपने सहकर्मियों के बारे में किसी भी अफवाह को नजरअंदाज ही करें। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बारे में कोई अफवाह फैलाए, तो आप भी किसी के बारे में अफवाह ना फैलाएं। वहीं वित्त के मामले में धनु राशि वालों, किसी पर आपका कोई धन बकाया है तो आज उसकी वसूली की संभावना है। दूसरे क्षेत्रों से भी पैसा आने के साफ संकेत हैं। आपने कोई कर्ज लिया है तो आज वो भी चुकता कर देंगे। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। धनु जातक, जिन्हें दिल और रक्त संचार की बीमारी है, आज उनके लिए अच्छे दिन शुरू हैं। उन्हें अपने इलाज की वजह से सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे। अब आपको आशा की किरण दिखाई देगी, क्योंकि अब पुरानी बीमारियां ठीक होने लगी हैं। और आखिर में धनु राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार आज के दिन पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच का समय आपके लिए बैठक करने के लिए एकदम सही माना जा सकता है। मकर राशि। मिथुन राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज प्रभावशाली लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। आपको कुछ ऐसे लोगों के साथ की जरूरत होगी जो आपके साथ मुसीबत में साथ दें। कुछ मामलों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। ऑफिस में ध्यान लगाकर काम करने की जरूरत है। आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज जो अकेले हैं, उनका किन्हीं व्यक्तियों से संपर्क होगा, ये सारे आपसे आकर्षित दिखेंगे। किसी के दिल के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आपके प्रति उनके आकर्षण को क्षति पहुंचा सकता है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के करियर के बारे में। आज आप अपनी मेहनत और स्पष्ट बातचीत से अपने व्यवसायिक विरोधियों को निरस्त कर सकते हैं। अगर आप ये दिखाएं कि आपके इरादे नेक हैं और आपके काम करने का ढंग सही है, तो आपके विरोधी आपको बिल्कुल भी स्थिर नहीं कर पाएंगे। वहीं वित्त के मामले में मकर राशि पर आज आपको अपने परिवार के किसी सदस्य की ओर थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग मिल सकता है, जो आपको सुकून पहुंचाएगा। यदि किसी रिश्तेदार से आपने कुछ पैसा लिया है, तो आपको इसे चुकाने के लिए थोड़ा और समय दे सकता है। फिर वह भी कह सकता है कि भूल जाइए इस पैसे को। इस तरह किसी की सहायता के लिए आप अपने रिश्तेदार के प्रति कृतज्ञ रहें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मकर जातक, अनचाहा दबाव हमेशा से हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाता आया है, इसलिए निराशा को दूर रखें और पौष्टिक आहार लें। और आखिर में मकर राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार आज पर्पल कलर आपके लिए लकी माना जा सकता है, इससे आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ रहेगा।
कुंभ राशि। मिथुन राशि में चंद्रमा के कारण आज आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, चीजों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए चिंतन कर सकते हैं। जैसे जैसे चीजें बेहतर होंगी आप बेहतर महसूस करेंगे। जिस पर आप विश्वास करते हैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ खुलकर बातचीत भी कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। आगे जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप अपने साथी की इच्छाएं जानने में सफल होंगे। प्यार को आपके संबंध का आधार बनाए रखने का आपका प्रयास रंग लाएगा, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए आप दोनों की ओर से प्रयास बहुत जरूरी है। अपने साथी का साथ दें तो बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहें। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के करियर के बारे में। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो आपके सहकर्मी आपका विरोध कर सकते हैं। अपनी सच्ची भावनाओं के बारे में उन्हें बताएं कि आप सोच समझे सही तरीके से काम करना चाहते हैं और धीरे धीरे वो अपनी राय बदल लेंगे। इस दशा में आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। वहीं वित्त के मामले में कुंभ राशि वाले, अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र में जुड़े हैं तो आज का दिन आपके लिए लाभदायक होगा। आपको जो काम मिलेगा वह आपके लिए करियर व आर्थिक दृष्टि से हितकारी होगा। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कुंभ जातक दिल के मरीजों के लिए अच्छा होगा कि वे कसरत करें और अपनी सेहत ठीक रखें। ध्यान रहे लगातार कसरत करने से दिल अच्छा काम करता है और दूसरी तरफ यह वजन घटाने, कोलेस्ट्रॉल और दबाव को कम करने में मदद करता है। आप खुद खेत के लिए कुछ कसरत करें और इन्हें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। और आखिर में कुंभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार आज के दिन आपके लिए लकी रंग लाल है। शाम 7:30 बजे से 8:45 के बीच का समय भाग्यशाली माना जा सकता है। मीन राशि। मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर आपको उदास और क्रोधित कर सकता है। आपके आसपास के लोगों को आपको समझाने में मुश्किल हो सकती है। हो सकता है कि आप उनकी बातों को ठीक से ना समझ पाए। अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज अपने साथी के साथ समय बिताएंगे और पिछले कुछ समय की बोरियत से छुटकारा पा लेंगे। ये अपने साथी के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने में बदले में प्रेम पाने का सही समय है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के करियर के बारे में। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको किसी ऐसे नियोक्ता से प्रस्ताव मिलने की संभावना है जो अनेक प्रकार के कार्यों में संलग्न है। आपका अवसाद समाप्त होगा पर में से आपको सही विकल्प को सोच समझ कर चुनना चाहिए। वहीं वित्त के मामले में मीन राशि वालों, आज आपको उधार भी लेना पड़ सकता है, इसलिए अपने खर्चों की आदतों पर ध्यान दीजिए। आप उन चीजों पर खर्च कर सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। हो सकता है कि खरीद के समय आपका बड़ा मजा आए लेकिन बाद में उसे आपको पछतावा होगा। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मीन जातक कोशिश करें आज आप दबाव में ना रहें। हो सकता है आप किसी चिड़ को लेकर टेंशन में आ जाए। अगर आपको ब्लड प्रेशर जैसी समस्या है तो खुद को आराम करने का समय दें ताकि उसका आपकी सेहत पर बुरा असर ना पड़े। और आखिर में मीन राशि वालों के लिए टिप्स ऑन द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों के अनुसार आज का दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। दोपहर 2:30 से 5 बजे के बीच का समय अच्छा रहेगा। यह राशिफल ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। अगर आप कुंडली, विवाह, पंचांग, शुभ मुहूर्त, राशिफल आदि से संबंधित या व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी या गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर से और पाए अपनी समस्याओं का समाधान इंडिया के बेस्ट ज्योतिषाचार्यों से। एस्ट्रो योगी, इंडियाज नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।